क्रिकेट की जबरदस्त खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एसके न्यूज एक्सप्रेस को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के ना चुने जाने की वजह का हो गया है खुलासा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 सीरीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को फिर से मौका देना और टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाजों को बाहर बैठाना शामिल था। टीम चयन के दौरान कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को बाहर कर कृणाल पांड्या और राहुल चाहर के साथ रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। टीम में इस बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, जिस पर अब टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दिया है। एमएसके प्रसाद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के लिहाज में हम भारत स्पिन गेंदबाज में विविधता लाने की प्रयास कर रहे हैं, इसी वजह से युवा गेंदबाजों को मौका दिया जा रहा है। क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप के चहल कुलदीप ने पिछले 2 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वह दोनों रेस में शामिल है। यह बदलाव केवल कुछ नए विकल्पों को तलाशने के लिए किया जा रहा है। एमएसके प्रसाद ने इंडिया टुडे से बात करते हुए यह बयान दिया है कि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही अनुभवी स्पिन गेंदबाज भविष्य में भारत की टी20 अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट के छोटे प्रारूप में नवदीप सैनी समेत कई युवा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा की है। उन्होंने इन युवा खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा है, हमने क्रिकेट के इस छोटे से प्रारूप में श्रेयस अय्यर को एक परिपक्व बल्लेबाज के रूप में उभरते हुए देखा है। वह टीम की परिस्थिति और मांग के अनुसार खेलने में सक्षम है। इसके अलावा हमने नवदीप सैनी, कुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को क्रिकेट के इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा है। और आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 सितंबर से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी चालू हो जाएगी।